हेलो दोस्तों, अगर देखा जाए तो पहले के मुकाबले आज फ़ोन और इंटरनेट पैक बहुत ही सस्ता हुआ है। यही कारण है कि आज स्मार्टफोन हर अमीर या गरीब के पास होता है। लोग आज एक दूसरे को कॉल करके हाल समाचार लेने के बजाय व्हाट्सएप या फेसबुक पर ही बात करने में सहूलियत समझते हैं। आज लोगों के जितने भी सर्किल हैं सभी व्हाट्सएप या फेसबुक पर ही जुड़े होते हैं। यही कारण है कि कभी कभी लोग छोटी मोटी तूल बनाकर व्हाट्सएप या फेसबुक पर ही दूसरे को गाली दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रीतेश कुमार। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि अगर कोई आपको व्हाट्सएप या फेसबुक पर गाली दे दे तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई ये शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई अगर आपको व्हाट्सएप या फेसबुक पर गाली दे तो आपको चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप या फेसबुक पर किसी को गाली देना साइबर लॉ के तहत अपराध है। तो जब भी कोई आपको व्हाट्सएप या फेसबुक पर गाली दे तो आपको चाहिए कि आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर उसका प्रिंट निकलवा लें, फिर आप अपने नज़दीकी थाने में जाकर उसके खिलाफ़ FIR दर्ज करवाएं, फिर पुलिस उसे साइबर लॉ के तहत गिरफ्तार करेगी और उसे सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।